हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11। मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में दोस्तों हम तीन संडे मैचेस का प्रीव्यू करेंगे। लिवरपूल वर्सेस साउथहैम्पटन, इप्सविच वर्सेस मैन यूनाइटेड एंड लेगानेस वर्सेस रियल मैड्रिड। तीनों मैचेस की मैं आपको दूंगा बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन। बट अगर आपको फाइनल कॉम्बिनेशन चाहिए, मेक श्योर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा, फैंटेसी स्काउट 11 फुटबॉल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिंड कॉमेंट एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच, जो है साउथहैम्पटन वर्सेस लिवरपूल। मैन सिटी ने दोस्तों लास्ट नाइट एक काफी शॉकिंग 4-0 डिफीट सफर करी अगेंस्ट टॉटनहम, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लिवरपूल के लिए, बिकॉज दे कैन टेक अ बिग लीड अगर वो इस मैच में साउथहैम्पटन को हराती है। लिवरपूल वैसे भी आर इन वेरी वेरी गुड फॉर्म एंड दोस्तों दे आर क्लियरली द बेस्ट डिफेंस इन द प्रीमियर लीग एज वेल। साउथहैम्पटन दोस्तों आर अ गुड टीम अपने होम पे, अवे में थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट मेरे हिसाब से स्टिल वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स इन द प्रीमियर लीग है। सो आई डू एक्सपेक्ट अ कंफर्टेबल विन फॉर लिवरपूल। अगर मेरा आप प्रिडिक्शन मांगेंगे, आई विल गो फॉर समथिंग लाइक अ 2-0 विन फॉर लिवरपूल। एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर लिवरपूल, बिकॉज साउथहैम्पटन के साथ ऑब्वियसली मैच है, बट मिड वीक में दे फेस रियल मैड्रिड एंड नेक्स्ट वीकेंड दे फेस मैन सिटी एट एनफील्ड। सो क्योंकि दोस्तों तीन बहुत बड़े मैचेस हैं इन द स्पेस ऑफ अ वीक, इंक्लूडिंग अगेंस्ट मैड्रिड एंड सिटी, मुझे लगता है कि कुछ रोटेशन है, कुछ प्लेयर्स मे बी जल्दी सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं। एंड डू नॉट एक्सपेक्ट कि लेट्स से लिवरपूल बहुत सारे गोल्स इस मैच में स्कोर करेगी, बिकॉज मुझे लगता है कि दे विल ट्राई टू कंजर्व सम एनर्जी फॉर द मैचेस अहेड। सो बात करते हैं दोस्तों अबाउट द टीम। मेरे हिसाब से लुइस डियाज इस संबंध जिनको रेस्ट मिल सकता है। जब भी दोस्तों इंटरनेशनल ब्रेक के बाद लिवरपूल खेलती है, नॉर्मली गैकपो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट विंग में इन प्लेस ऑफ लुइस डियाज, बिकॉज लुइस डियाज को दोस्तों साउथ अमेरिका से कोलंबिया से ट्रैवल करके आना होता है बैक। सो मुझे लगता है दिस इज अ परफेक्ट सिनेरियो जहां पे गैकपो को स्टार्ट मिल सकता है ऑन द लेफ्ट इन प्लेस ऑफ लुइस डियाज। डार्विन नूनेस ऑल्सो दोस्तों इस संबंध जो ट्रैवल करते हैं साउथ अमेरिका, बट प्रॉब्लम यह है कि जोटा इज स्टिल इंजर्ड। सो डार्विन नूनेस इस संबंध जिनको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, वैसे भी एक एडिशनल डे ऑफ रेस्ट मिला है बिकॉज इट इज अ संडे। So I do expect कि Nunes, Gakpo and Salah will be the front three, and मुझे लगता है क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ही standout option नहीं है Liverpool की midfield में, including Szoboszlai, Gravenberg, McAllister जो खुद bench हो सकते हैं, और someone like Curtis Jones, I think I'll go for the three attacking players from Liverpool। And दोस्तों मैंने क्योंकि मुझे लगता है clean sheet का बहुत ही अच्छा chance है, I have gone for four defenders as well। Trent Alexander-Arnold is still out injured, इसलिए उनकी जगह most likely Connor Bradley आएंगे। I think in the tougher matches Joe Gomez राइट बैक खेल सकते हैं, बट आई थिंक इन द इजियर मैचेस जहां पे मुझे लगता है लिवरपूल थोड़ा अटैक कर सकती है, वहां पे ब्रैडली इस संबंध जो खेल सकते हैं, वो वेरी वेरी गुड ऑप्शन, बहुत ही अटैकिंग ऑप्शन है। सिमिकास वंस अगेन इज संबंध जिनको रॉबर्टसन के आगे स्टार्ट मिल सकता है, दिस इज अ 50-50 कॉल। रॉबर्टसन अगर खेलते हैं तो आप उन्हें पिक करिएगा, वैन डाइक कोनाटे डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा। फ्रॉम अ साउथहैम्पटन पॉइंट ऑफ व्यू उनके गोलकीपर एलेक्स मैकार्थी, डू रिमेंबर कि उनके नंबर वन गोलकीपर रैम्सडेल इज आउट इंजर्ड, सो इवन बेटर फॉर लिवरपूल अटैकिंग प्लेयर्स लाइक मोहम्मद सलाह, गैकपो एंड नूनेस। उसके अलावा सुगावारा मुझे काफी पसंद है, चाहे वो एक विंग बैक खेले या चाहे वो राइट बैक खेले, वो आपको अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ थोड़ा सा अटैकिंग थ्रेट भी देते हैं। अगर आप मिडफील्ड में बात करें बाकी दोनों साउथहैम्पटन ऑप्शंस की, आई विल गो फॉर टू प्लेयर्स जो मोस्ट लाइकली आपको 90 मिनट्स देंगे, फ्लिन डाउन से संबंध जो सेट पीसेज लेते हैं, एंड संबंध दोस्तों जो आपको अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स देंगे, ऑल द बहुत ज्यादा नहीं। मार्टियस फर्नांडिस थोड़ा सा और एडवांस रोल खेलते हैं, बट ही इज ऑल्सो संबंध जिनके मिनट्स आर सॉर्ट ऑफ गारंटीड एंड ऑल्सो संबंध जो आपको डिसेंट डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दिस इज अगेंस्ट अ वेरी वेरी पुअर साउथहैम्पटन टीम जिनके मेन गोलकीपर नहीं खेल रहे हैं। मोस्ट सारा मेरे कैप्टन होंगे, वैसे भी ही इज इन ग्रेट फॉर्म। ट्रेंट अगर होते मैं थोड़ा सा अटेम्प्ट हो सकता था बाय वाइस कैप्टनसी, बट उनकी एब्सेंस में आई थिंक डियाज और गैकपो में से जो भी स्टार्ट करेगा आई विल वाइस कैप्टन देम। ओनली इशू इज दोस्तों कि सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, दैट इज माय ओनली कंसर्न, बट आई डू फील कि क्योंकि गैकपो ने ट्रैवल कम किया है, गैकपो के मिनट्स मेरे को लगता है थोड़े से ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू लेट्स से डार्विन नूनेस। कई बार हमने देखा है वैसे भी कि गैकपो, डियाज और साला का फ्रंट थ्री भी होता है कभी कभी जब नूनेस सब्स्टिट्यूट होते हैं। सो आई विल गो फॉर साला कैप्टनसी एंड गैकपो वीसी इन दिस मैच। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट मैच दोस्तों, और वो है इप्सविच वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहले ही आपको बोलूंगा दोस्तों इस मैच में इन्वेस्टमेंट कम रखिएगा, बिकॉज ये रूबन अमोरिम का पहला मैच है एज मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। रूबेन अमोरिम दोस्तों इस संबंध जो एक बहुत ही अटैकिंग 3-4-3 सिस्टम खिलाते हैं, जहां तीन सेंटर बैक होंगे। आई डू एक्सपेक्ट कि इस मैच में जॉनी एवंस,
लिजांड्रो मार्टिनेस एंड मार्टियस डेलिट तीन सेंटर बैक हो सकते हैं। लेनी योरो लॉन्ग टर्म में आके जॉनी एवंस को रिप्लेस करेंगे। विंग बैक से मुझे लगता है मजराउई और डालोट दोनों इस मैच में खेल सकते हैं एंड मुझे लगता है कि दोनों विंग बैक्स इन दिस एमोरियम सिस्टम विल बी वेरी वेरी अटैकिंग। सो दोनों फुल बैक्स विंग बैक्स जो भी होंगे उनको मैं 100% रिकमेंड करूंगा। दैट्स वाई डालोट और मजराउई को मैंने पिक किया है। उसके बाद दोस्तों आपके दो मिडफील्डर होते हैं जिसमें मुझे लगता है उगाटे और कासिमीरो खेलेंगे। कासिमीरो विल बी द वन जो थोड़ा सा आगे जाएंगे, उगाटे विल बी अ वेरी वेरी डीप मिडफील्डर। कासिमीरो का फैंटेसी पोटेंशियल आपको पता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टैकल्स। उसके अलावा दोस्तों फ्रंट थ्री में यू विल हैव मेरे हिसाब से हॉयलैंड, ब्रूनो, रैशफर्ड, डियालो, गार्नाचो, इनमें से तीन प्लेयर। आई डू एक्सपेक्ट कि इस मैच में ब्रूनो खेलेंगे बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड आई थिंक अगर आप स्ट्राइकर पोजीशन की बात करें वहां पे हॉयलैंड और जर्गजे में से एक करेंगे, मोस्ट लाइकली हॉयलैंड। दैट मींस कि एक ही स्लॉट बचता है फॉर प्लेयर्स लाइक रैशफर्ड, गार्नाचो। एंड मुझे लगता है बिकॉज गार्नाचो इस संबंध वंस अगेन इंटरनेशनल ड्यूटी पे गए थे विद अर्जेंटीना, बहुत ट्रैवल किया है, इसलिए मार्कस रैशफर्ड को वो लेफ्ट साइडेड अटैकिंग रोल मिल सकता है। सो रैशफर्ड को मैं पिक कर रहा हूं अलोंगसाइड कैसिमीरो एंड ब्रूनो। अगर दोस्तों आपको लगता है कि रैशफर्ड पे इतना कन्विंस नहीं है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर रैसमस हॉयलैंड। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इस मैच में इन्वेस्टमेंट कम रखिएगा बिकॉज कौन सा प्लेयर कहां खेलता है, कौन सा प्लेयर एक्चुअली अच्छा खेलता है इन दिस न्यू रूबन अमोरिम सिस्टम विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। दैट इज व्हाई आई एम नॉट श्योर कि रैशफर्ड बेटर है, हॉयलैंड बेटर है। अगर अमार डियालो खेलते हैं ही कुड बी वेरी गुड ऑप्शन एज वेल। तो आई विल rely ऑन सम ट्रस्टेड ऑप्शन जैसे लिजांड्रो मार्टिनेस और मार्टियस डेलिट, दोनों को मैंने पिक किया है। आई डू एक्सपेक्ट कि इस मैच में यूनाइटेड मे पिक अप द विन, बट आई डू एक्सपेक्ट कि इप्सविच उनको थोड़ी टफ फाइट दे सकती है। दैट इज वाई मैंने उनके मेन प्लेयर्स को लिया है। गोल कीपर म्यूरिच हूज अ ब्रिलियंट ऑप्शन। लीव डेविस जो उनके बहुत ही अटैकिंग लेफ्ट बैक हैं, इन दिस सिनेरियो विंग बैक भी हो सकते हैं। ही इज ऑल्सो समवन जो काफी सेट पीसेज लेते हैं, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। लास्ट सीजन इन द चैंपियनशिप ही हैड 18 असिस्ट एंड आई थिंक इस सीजन भी अगर आप बिग चांसेस क्रिएटेड की बात करें लीव डेविस टॉप 5 में आते हैं। उसके अलावा आई हैव गॉन फॉर टू गुड गोल स्कोरिंग ऑप्शंस, लियम डेलैप who was absolutely superb in the last match against Tottenham and Smodix जिन्होंने once again goal score किया था। Smodix में दोस्तों वो X factor है जो उनको basically एक काफी अच्छा option बनाता है as far as goal scoring is concerned। अगर आपको more defensive option चाहिए Smodix की जगह आप Sam Morsey को भी ले सकते हैं। So once again Rashford और Hoyland में से एक लीजिए, Casemiro, Bruno I'm pretty okay with and I've gone for four defenders। Captain Bruno Fernandes because he's the one जो मुझे लगता है stand out और consistent और reliable option है। उसके अलावा मैंने Diego Dalot को वीसी किया है। आई फील कि डालो अंडर दिस रूबन अमोरिम सिस्टम एज अ राइट विंग बैक कुड बी अ फैंटास्टिक ऑप्शन। अगर लेट्स से मजराउई राइट विंग बैक खेलते हैं ही कुड ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन, बट मुझे लगता है डालो इज समवन जो इवन बेटर ऑप्शन हो सकते हैं अंडर रूबन अमोरिम। नाउ लेट अस गो टू द लास्ट मैच और वो है लेगानेस वर्सेस रियल मैड्रिड। मैड्रिड दोस्तों आर अ टीम जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली अगर आप डिफेंसिवली बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली एडन मिलिटाओ को भी ACL इंजरी हो गई है। सो इस पर्टिकुलर मैच में अगर आप देखेंगे उनका बैक फोर होगा रूडिगर एंड राउल असेंसियो, ये दोनों होंगे इनके सेंटर बैक्स। वैलवर्डे एक्सपेक्टेड है राइट बैक खेलेंगे बिकॉज लूकस वास्केस इज ऑल्सो इंजर्ड एंड फ्रैंक गार्सिया लेफ्ट बैक खेल सकते हैं अहेड ऑफ फरलान मेंडी। सो दैट इज वाई मुझे लगता है मैड्रिड की क्लीन शीट पे मुझे बहुत भरोसा नहीं है बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी सेकेंडरी चॉइस एंड अ वीक बैक फोर जो वो खिलाएंगे, इसलिए मैंने बहुत सारे अटैकिंग प्लेयर्स अपनी टीम में लिए हैं। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि विनीशियस, एम्बापे एंड ब्राहिम डियाज will be the front three in this match. I'm not sure why Arda Guler को इतना chance नहीं मिलता है, but he's still very very young. Brahim Diaz जब भी खेलते हैं दोस्तों मुझे काफी impress करते हैं, इसलिए मैंने उनको pick किया है। Leganes are not a very very good team. I think कि Madrid इस match में 2-3 goals score कर सकती है. So that is why मैंने Mbappe, Vinicius और Brahim Diaz को लिया है because Rodrigo is still out injured. Bellingham को pick किया है, of course he's someone जो मुझे लगता है is a very very good option. Last match में he was very very good and I don't mind let's say अगर आप इनको vice captaincy भी दें, but क्योंकि पोजीशन इतनी वीक है इसलिए मैंने एम्बापे को वंस अगेन वाइस कैप्टेंसी दी है बिकॉज आई स्टिल फील कि एम्बापे इज द मोर लाइकली गोल स्कोरर देन जूड बेलिंगम बिकॉज मेरे हिसाब से विनीशियस जूनियर इज द स्टैंड आउट कैप्टन। फेडे वैलवर्डे के ऊपर बहुत शोर नहीं हो दोस्तों बिकॉज अगर मैंने देखा कि वो राइट बैक खेलेंगे तो शायद मैं उनको अपनी टीम में नहीं लूँ बिकॉज आपको क्लीन शीट के पॉइंट्स तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, प्लस ऑल्सो आपको बहुत अटैकिंग एरियाज में मे बी ऑपरेट करते हुए नहीं दिखे। इन दैट सिनेरियो
टू अदर प्लेयर्स जो मिडफील्ड में स्टार्ट करेंगे, कामाविंगा एंड मॉड्रिच, उनमें से आप एक ले सकते हैं, स्पेशली समवन लाइक लुका मॉड्रिच जो आपको सेट पीसेस दे सकते हैं। कामाविंगा आपको थोड़े और डायनामिक प्लेयर हैं, थोड़े और फिजिकली इंपोजिंग प्लेयर हैं जो आपको टैकल इंटरसेप्शन दे सकते हैं। सो वैलवर्डे अगर आपको सेव जाना है लीजिएगा, बट अगर आप देखते हैं कि वो राइट बैक खेल रहे हैं, यू कैन पंट ऑन अ मॉड्रिच और अ कामाविंगा। उसके अलावा फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रूडिगर को पिक किया है, उस द ओनली डिफेंडर जो मैं ट्रस्ट करता हूँ रियल मैड्रिड में। फ्रैन गार्सिया थोड़ा और अटैकिंग खेलेंगे, बट आई थिंक राउल असेंसियो इस संबंध में मुझे काफ़ी पसंद है। लास्ट मैच में उन्होंने बहुत ही ग्लोरियस असिस्ट भी दिया था, एंड इस संबंध मुझे लगता है डेफिनेटली ज़्यादा पासिस कंप्लीट करेंगे एज कम्पेयर टू फ्रैन गार्सिया अगर वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करें दोस्तों अबाउट लेगानेस, उनके गोलकीपर दिमित्रोविच को मैंने पिक किया है। दो मिडफील्डर्स मैंने लिए हैं, वान क्रूज एंड ब्रासनाक। वान क्रूज इनके टॉप स्कोरर हैं विद 4 goals, 2 assists भी प्रोवाइड किए हैं, सो ही इज इजिली द बेस्ट गोल असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। ब्रासनाक एक अटैकिंग मिडफील्डर है जो ऑल्सो आपको अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स देते हैं। अगर आप इनका लास्ट मैच में जाकर टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। सो ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो आपको गोल असिस्ट एंड ऑल्सो डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग साइड गुड मिनट्स दे सकता है। डिफेंस में मुझे कोई बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं दिखे हैं। नास्टासिच इज एन ओके ऑप्शन। आई हैव गॉन फॉर समवन लाइक सर्जी गोंजालेस, जो मुझे लगता है इस संबंध जो आपको थोड़े बहुत डिफेंसिव पॉइंट्स भी दे सकते हैं। उसके अलावा अल्टीमारा इस संबंध जो राइट बैक खेलेंगे, अगर आपको लगता है कि वो विनीशियस के अगेंस्ट टैकल जीत सकते हैं, तो अल्टीमारा को भी अपनी टीम में आप ले सकते हैं। कैप्टन विनीशियस, वाइस कैप्टन मैंने दिया है एम्बापे, बट आप बेलिंगम को भी बना सकते हैं। वंस अगेन आई हैव गॉन फॉर एम्बापे वीसी बिकॉज मुझे लगता है लेगानेस आर वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स इन ला लीगा, एंड इन दिस सिनेरियो मे बी मैड्रिड कैन स्कोर 2-3 goals, एंड डेफिनेटली मेरा मानना है कि एम्बापे सूनर और लेटर विल रीडिस्कवर हिज गोल स्कोरिंग फॉर्म। वंस अगेन जो भी चेंजेस होंगे आपको मिलेंगे ऑन माई टेलीग्राम चैनल फैंटेसी स्काउट 11 फुटबॉल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट एज वेल। एंड अगर आपको मेरा वीडियो तीनों मैचेस का प्रीव्यू पसंद आया, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें दोस्तों फैंटेसी स्काउट 11 को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दीज 3 matches, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। चीयर्स गाइस।